दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर Samsung Galaxy A72 का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Mi 11 Ultra और OnePlus 9 Pro, यहां पर दोस्तों आपको सेम फीचर्स पे नहीं जाना है कि डिस्प्ले सेम है, प्रोसेसर सेम है, कैमरा सेम है। यहाँ पर दोस्तों सब कुछ सेम होने के साथ साथ भी इंटरनल फीचर्स में बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, विद रीजंस यहाँ पर फर्क क्या क्या है, मेरे ओपिनियन क्या क्या है दोस्तों, सभी जानकारी आज की वीडियो में आइए जान लेते हैं। व्हाट्सअप गाइज, दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आप जानते हैं कि Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च किया है नया स्मार्टफोन Mi 11 Ultra। ये दोस्तों एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जहां पर हम बात करें ना इसे आईफोन को या फिर हम बात करें Samsung को, काफी जबरदस्त टक्कर दी है और मार्केट में ये नंबर वन पोजीशन पे अभी स्टैंड कर रहा है। हम आईफोन की बात नहीं करेंगे क्योंकि जिसे आईफोन लेना है वो आईफोन ही लगा, एंड्रॉयड में नहीं आएगा। तो iOS और एंड्रॉयड अलग बात है, लेकिन दोस्तों लगभग 15 से 20 दिन पहले मार्केट में आए OnePlus 9 Pro के साथ में बहुत ही जबरदस्त टक्कर है। टक्कर क्यों है, क्योंकि वहां पर हमें डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम मिलती है, प्रोसेसर हमें सेम मिलता है, कैमरा के अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फर्क है। एंड हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस भी है कि हमें Xiaomi लेना चाहिए या फिर OnePlus की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नाम की तरफ जाते हैं और कुछ लोग ये देखते हैं कि हमें फीचर अच्छे मिलने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोन को और देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, चाहे हम बात करें ना डिस्प्ले, प्रोसेसर, गेमिंग, इन सब चीज़ों के साथ साथ बेटर वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हमें कौन सा स्मार्टफोन दे पाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगभग 70,000 रुपए के फ्लैगशिप स्मार्टफोन की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। दोस्तों सभी फोन की ट्रूली टेस्टिंग होने के बाद में अब तक मैं एकदम ट्रूली कंक्लूजन पहुंचाता हूं। तो अगर आपको ट्रूली वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों अगर आप पुरानी कुछ वीडियोस देखोगे वहां पर मैं हर स्मार्टफोन को इन हैंड फील के साथ में यहां पर कंपेयर करता हूं, लेकिन फिलहाल मैं राजस्थान से दोस्तों बिलोंग करता हूं, यहां पर कंप्लीट लॉकडाउन है तो मेरे पास में स्मार्टफोन रिव्यू के लिए नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि मैंने मार्केट में इसकी टेस्टिंग की है, जो डेमो पीस आते हैं शॉप पर उनकी मैंने की है, लेकिन फिलहाल मेरे पास में रिव्यू नहीं है। लेकिन दोस्तों फोन को एक बार हाथ में लेते ही हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो Mi 11 Ultra दोस्तों यहां पर जो कैमरा बम्प है ना, माय गॉड, बहुत ही जबरदस्त है। जहां पर इन हैंड फील कहते हैं ना कि एक अगर आप कॉलिंग वगैरह कर रहे हो ना, बहुत ही जबरदस्त बम्प लगता है, बहुत ही जबरदस्त। जहां पर हम बात कर रहे हैं 235 ग्राम की इसके वेट की, काफी दोस्तों हैवी है कैमरा बम्प, जो बहुत बड़ा सा लगता है, फोन हैवी है। और ऐसा दोस्तों यहां पर आपको सिरेमिक बैक मिलता है, मेटल फ्रेम है, IP68 की प्रोटेक्शन है, गोरिल्ला ग्लास 5 की यहां पर प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पर नहीं आती है। दोस्तों जो कैमरा बम्प है ना, वहां पर कैमरा के साथ साथ एक छोटी सी डिस्प्ले है, उसका क्या यूज है वो मैं आपको यहां पर आगे बताऊंगा। OnePlus 9 Pro की बात करें, यहां पर आपको मिलता है लगभग 199, लगभग हम कहेंगे 200 ग्राम का वजन, मेटल फ्रेम है, मेटल है सब कुछ। एंड जो ग्लास है दोस्तों पीछे की साइड में, एक नॉर्मल चीज है, जहां पर जो कैमरा है दोस्तों नॉर्मली है, जैसे कि Oppo, Vivo, Samsung के आजकल आते हैं बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी अलग यहां पे नहीं है। लेकिन हां, Xiaomi में थोड़ा सा यहां पर अलग है। सीधी सीधी बात है कि जो बिल्ड क्वालिटी है, इन हैंड फील है, आपको Xiaomi के अंदर काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन के फीचर्स की। डिस्प्ले की बात करें, यहां पर Mi 11 Ultra में आपको मिलती है 6.81 इंचेस की क्वाड HD प्लस, यानी कि 2K डिस्प्ले दोस्तों, AMOLED है, यहां पर 120 हर्ज की रिफ्रेश रेट है, 480 हर्ज यहां पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। और दोस्तों यहां पर ब्राइटेस्ट फोन मैं कहूंगा, मैंने अब तक जितने भी फोन टेस्ट किए हैं ना, सबसे ब्राइट है, 1700 नीट्स आपको यहां पर ब्राइटनेस पीक मिलती है, 93% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। आप देखिए डिस्प्ले पे बहुत ही बारीक बारीक सी चिन्ह है, बहुत ही बारीक बारीक से बेजल्स है। डिस्प्ले दोस्तों नो डाउट काफी अच्छी है, लेकिन OnePlus 9 Pro में आपको मिलती है 6.7 इंचेस की, वही 2K AMOLED मिलती है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, एडेप्टिव है। लेकिन दोस्तों जो ब्राइटनेस पीक है ना, वो है यहाँ पर 1300 nits का LTPO की डिस्प्ले है, जो कि मैं कहूंगा ऑन एन एवरेज अच्छी है। दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन लेकिन दोस्तों यहां पर फर्क है, फर्क यह है कि Xiaomi में आपको 1700 की आपको ब्राइटनेस पीक मिलती है, 480 हर्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली, आप ये मत देखिए कि OnePlus है, Samsung है, iPhone है, नहीं दोस्तों यहां पर जो फीचर्स है वो आपको Xiaomi के अंदर बेटर देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की। यहां पर दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 888 प्रोसेसर। ये दोस्तों काफी अच्छा प्रोसेसर है, जहां पर मैंने आपको Vivo X60 Pro Plus की वीडियो दी थी ना, वहां पर भी यही प्रोसेसर
यूज हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों काफी जबरदस्त है, लेकिन यहां पर वेरिएंट्स में फर्क है। Xiaomi की बात करूं दोस्तों, यहां पर आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 8/256 GB और 12/512 GB के, लेकिन OnePlus में आपको मिलते हैं 8/128 और 12/256 GB के। दोनों में ही आपको LPDDR5 फ्रेम और UFS 3.1 के साथ में मिलती है। ये जो Xiaomi है ना, इसका एक्टिव स्कोर मुझे फिलहाल पता नहीं है, आपको मैं डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। और जो OnePlus 9 Pro है उसका आपको मिलता है 6,90,000, अराउंड 7 लाख के आसपास का। ऑलराइट दोस्तों, ये तो हुई नंबर्स की बात है। दोस्तों रियल लाइफ की बात करूं ना, तो यहां पर किसी भी तरह की टेस्ट की जरूरत नहीं है। दोनों स्मार्टफोन आपको काफी नेक्स्ट लेवल की आपको परफॉर्मेंस दे पाएंगे। फिलहाल मेरे पास में फोन नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखाता। आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए जहां पर मैंने OnePlus 9 Pro की काफी वीडियोस बना रखी है, Vivo X60 Pro Plus की वीडियो बना रखी है दोस्तों, आपको काफी हेल्प वहां से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में। देखिए दोस्तों, कैमरा के आप नंबर पर मत जाइए, मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन किसके लिए है और कौन सा स्मार्टफोन किसके लिए है। नंबर्स की बात करूं तो Xiaomi में आपको मिलते हैं ट्रिपल कैमरा स्लॉट, जहां पर 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा, 48 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड और 48 मेगापिक्सल्स का पेरिस्कोप, यानी कि वही टैली फोटो कैमरा। यहां पर दोस्तों आप 120x तक जूम कर पाते हैं, 8K यहां पर आपको रिकॉर्डिंग मिलती है और सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल्स का। एक बार मैं आपको फीचर्स बताऊंगा, एक बार हम बात करते हैं OnePlus की। यहां पर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल्स का सोनी IMX789, यहां पर दोस्तों OIS और EIS का आपको यहां पर सपोर्ट मिलता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम का सेंसर और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल्स का। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रियल लाइफ में हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। पहला केस हम लेते हैं कि आप एक फोटोग्राफर हैं, तो फोटोग्राफर के लिए दोस्तों यहां पर MI का जो फोन है ना वो काफी अच्छा रहेगा, जहां पर आपको 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर प्लस आपको 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 48 मेगापिक्सल पेरिस्कोप, जो कि आपकी जो जूम क्वालिटी है एंड जो काफी अच्छी यहां पर फोटोज यहां पर ले पाएगा। प्लस दोस्तों यहां पर ना सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल्स का है, लेकिन आप जो बैक कैमरा है ना वहां पर भी एक डिस्प्ले है, आप जो है ना बैक कैमरा को यूज करते हुए अपनी फोटो को वहां देखते हुए सेल्फी एज ए सेल्फी वहां पर फोटो ले पाएंगे, आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिल पाएगी। ये तो हुई एक फोटोग्राफर की बात। अगर आप वीडियो ज्यादा करते हैं दोस्तों तो आपके लिए OnePlus ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर हालांकि 8K दोनों में है, लेकिन दोस्तों OnePlus के अंदर है ना 4K 120fps तक रिकॉर्ड कर पाता है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन एक DSLR के बराबर आपको यहां पर रिकॉर्डिंग फीचर मिलने वाला है। तो यहां पर थोड़ा फर्क पड़ता है कि आप किस तरह के हैवी ड्राइवर हैं, आपको क्या कुछ कैमरा के अंदर अच्छा चाहिए। कुछ होता है ना कि उन्हें करनी तो वीडियो है, लेकिन वो फोटो के हिसाब से फोन ले लेते हैं बड़े बड़े मेगापिक्सल्स देख के, सेंसर देख के, ऐसा यहां पर नहीं होना चाहिए। और हाँ, सेल्फी के मामले में अगर आप एक अल्टरनेट यूज करते हैं रियर कैमरा को, तो बहुत ही बेहतरीन आपको सेल्फी मिल पाएगी। नो डाउट दोस्तों फोटोग्राफर के लिए यहां पर कैमरा अच्छा रहेगा 11 अल्ट्रा का। और जो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, ज्यादा रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग करता हूं, तो मेरे लिए यहां पर OnePlus 9 Pro एक बेटर ओपिनियन हो सकता है। हालांकि बुरा दोनों में नहीं है, लेकिन अगर आप एक नेक्स्ट लेवल की चाहते हैं ना, जैसे कि शादियों में रिकॉर्ड करना, कभी अल्टरनेटिव करना, आप एक ट्रैवल करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी चाहिए, उस हिसाब से आप OnePlus 9 Pro देख सकते हैं। बाकी MI 11 Ultra का दोस्तों बैक कैमरा जो सेटअप है ना, आप एक सेल्फी की तरह यूज कर पाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग के बारे में, क्योंकि ये भी यहां पर एक मेन हाईलाइट होती है हमारे हैवी यूजर्स को देखते हुए। अगर हम बात करें हैं Xiaomi की, यहाँ आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, 67 वॉट की आपको वायर्ड एंड वायरलेस चार्जिंग मिलती है, और हाँ 10 वॉट की आपको रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। अगर हम बात करें हैं OnePlus की, यहाँ पर आपको मिलती है 4500mAh की बैटरी, 65 वॉट की चार्जिंग, यहाँ पर भी दोस्तों वायरलेस चार्जिंग है, नो डाउट एक बेहतरीन क्वालिटी आपको दोनों ही दे पाएंगे। 500mAh का फर्क है, जिससे मैं कहूंगा नेग्लिजिबल है, मेरा मानना है कि दोनों के अंदर आपको बैटरी ऑलमोस्ट सेम मिलती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों स्मार्टफोन को देखते हुए। बिल्ड क्वालिटी मैं क्लियर कट बात करूंगा, बिल्ड क्वालिटी Xiaomi की ज्यादा अच्छी है, जो कैमरा बम्प है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है, आपको सभी तरह के फीचर्स यहां पर देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले हालांकि 2K है, AMOLED है, वो दोनों में है, लेकिन दोस्तों गेमिंग के हिसाब से, फिल्म देखने के हिसाब से, मूवीज देखने के हिसाब से है ना, आपको MI के अंदर दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी मिलेगी, जहां पर 480Hz की आपको टच सैम्पलिंग रेट है, 1700 ब्राइटनेस पीक है, वो आपको थोड़ा सा यहां पर मजेदार क्वालिटी दे पाएगी। OnePlus अपनी जगह है, वो भी ज्यादा सही है, लेकिन हाँ फीचर यहां पर Xiaomi में ज्यादा अच्छे हैं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो प्रोसेसर वगैरह को देखते हुए दोनों स्मार्टफोन लगभग एक जैसे हैं। बाकी आने दीजिए, हम यहां पर लाइव आपको जो है टेस्ट करके दिखाएंगे। उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको और ज्यादा कमाल वीडियोस देखने को
मिल जाएगी। कैमरा की बात मैंने दोस्तों बहुत ही डिटेल में कर दी, आप किस तरह के यूजर हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के यूजर हैं, हैवी ड्राइवर हैं, नॉर्मल ड्राइवर हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, टोटली दोस्तों आप पर डिपेंड करता है। और तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट दोस्तों ये है कि मुझे अगर आज की डेट में स्मार्टफोन लेना है और मेरा बजट है लगभग 70,000 रुपये, और अगर मुझे मतलब फेम से फर्क नहीं पड़ता है OnePlus, iPhone, Samsung, Xiaomi, तो फिर मैं MI 11 Ultra की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगभग सभी फीचर्स मिलते हैं। और हाँ, जो इनहैंड फील है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है, और मुझे एडवांस फीचर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हाँ, मेरी पर्सनल चॉइस दोस्तों यहाँ पर Xiaomi का Mi 11 Ultra रहने वाली। बाकी दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा, बुरा लगा और क्यों लगा, सभी बातें दोस्तों कमेंट में कर दीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर कुछ गिव अवे लाइव है, अगर आप नए हैं तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।